चीन के बाद अब भारत में भी बिजली संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली में ब्लैकआउट की चेतावनी जारी कर दी गई है तो उत्तर प्रदेश में 8 संयंत्र अस्थायी तौर पर ठप हो गए हैं। पंजाब और आंध्र प्रदेश ने पावर प्लांट में कोयले की कमी जाहिर की है। ऐसे में केंद्र के सामने राज्यों की मांग को पूरा करना एक चुनौती बन गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऊर्जा मंत्रालय के नेतृत्व में सप्ताह में दो बार कोयले के स्टॉक की समीक्षा की जा रही है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर केंद्र जल्द से जल्द जरूरी कदम नहीं उठाता तो राजधानी को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। केजरीवाल ने केंद्र को संदेश लिखा है कि कोयले से चलने वाले 135 संयंत्रों में से आधे से अधिक के पास केवल 3 दिन का कोयला बाकी है। ये संयंत्र देश को आधे से ज्यादा बिजली की आपूर्ति करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि बिजली का ये संकट क्यों पैदा हुआ। कोरोना से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बिजली की मांग बढ़ती गई। सितंबर महीने में कोयले की खदान वाले क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भी कोयले के उत्पादन पर असर पड़ा। बाहर से आने वाले कोयले की कीमतों में काफी इजाफा हुआ। इससे संयंत्रों में बिजली उत्पादन में कमी आई। मांग को पूरा करने के लिए घरेलू कोयले पर निर्भरता बढ़ती गई और मानसून की शुरुआत में पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक नहीं हो पाया। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोयला कंपनियों पर भारी बकाए के कारण संकट बढ़ गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।